वेलकम बैक टू माई ब्लॉग गाइज। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और बैग आप जैसे देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं घर। और घर जाने के बाद अभी न्यू ईयर भी है तो घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं, सारे फ्रेंड जा चुके हैं तो हम लोग भी जा रहे हैं। तो अभी यहाँ से निकलेंगे, बस पकड़ेंगे, बस से जाएंगे चारबाग और चारबाग से हम लोग की ट्रेन है 1 बजे की और अभी 12 बज रहे हैं। तो फिलहाल 1 घंटे हम लोग के पास और 1 घंटे में पहुँच जाए, ट्रेन मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, नहीं मिलेगी तो फिर लौट के आएंगे। और क्या, इतनी सारी बैग के साथ निकलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है पर हम सब प्रयासरत हैं। मैं इतने दिनों बाद, मतलब 4 महीने बाद घर के लिए निकल तो गई थी, सामने मुझे बस भी मिल गई रोड पर ही। हम दोनों बस पर चढ़ भी गए और मैं शांति से बस पर बैठ गई ये सोचकर कि अब मैं घर पहुंच जाऊंगी। बट वेट वेट वेट, स्पॉइलर अलर्ट, मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगी क्योंकि हमारे ड्राइवर अंकल बहुत धीरे धीरे बस चला रहे थे और एक जगह तो उन्होंने रोक के बस बकायदे एक बोर्ड तक पढ़ा, कोई डॉक्टर का बोर्ड था। थोड़ी देर में हम पहुंच गए चारबाग, लेकिन हमें पूरा विश्वास था कि हम घर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि ट्रेन तो हमारी मिस हो चुकी है। फिर भी एक अटेम्प्ट तो देना बनता था ना। तो हम लोग पहुंच गए स्टेशन और हम लोगों ने देखा कि ट्रेन जा चुकी है। फिर मेरा मूड ऑफ हो गया, हालांकि मुझे पहले से पता था, लेकिन क्या कर सकते हैं ना। हमारी किस्मत तो देखो, लौटते वक्त हमें फिर से सेम बस मिली और सेम ड्राइवर अंकल। क्या किस्मत है, दोबारा वही बस मिली। एवरीवन, आज है 29 दिसंबर और जो है मैं दोबारा से जा रही हूँ घर। एक्चुअली कल मेरी ट्रेन छूट गई हुई थी तो हम लोग लौट आए और फिर आज दोबारा तैयार हैं घर जाने के लिए। आज कोहरा देख रहे हैं आप, 10:30 हो रहा है, फिर भी ठंड इतनी है कि मेरी हालत आप देख सकते। घर जाने से पहले ना मुझे शिवांश के लिए कुछ अच्छा सा लेके जाना था, तो केक से अच्छा मुझे कुछ और लग ही नहीं रहा था। वो कहते हैं ना, हर दिल का रास्ता ना पेट से होके जाता है। तो मैं चली गई बेकरी और मैंने पैक कराया शिवांश के लिए उसका फेवरेट ब्लैक फॉरेस्ट केक। ठंड बहुत लग रही है, अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। कल बस हमारी, मतलब ट्रेन हमारी छूट चुकी थी, अभी फिर से जा रहे हैं। इस बार शिवांश के लिए केक भी लिया मैंने। आई नो वो कुछ और चाहता है और ये केक हम घर पे भी ले सकते थे, पर उसके लिए कुछ लेके जाना ना खुशी मिलती है। चले चलो, वो बैग तो ले लो। दो बार अगर हम इसको और टिक टिक किए ना तो केक का ना फालूदा हो जाना है। अभी तक कोहरा था तो हम लोग इतना पहन लिए, अब धूप हो रही है। भगवान से प्रे कर रहे हैं भगवान धूप ना ही करो, नहीं तो सब हंसेंगे हम लोगों के ऊपर। पकड़िए। इस बार घर जाने के लिए हमने दोबारा से बस तो ले ली थी, लेकिन थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि पिछली बार की तरह दोबारा बस जो है लेट करवा दी तो ट्रेन मिस हो गई तो। लेकिन स्टेशन पहुंच के सामने लगा हुआ था आपकी यात्रा मंगलमय हो का बोर्ड और ये देख के ना मुझे सुकून हुआ। मुझे लगा इस बार तो ना ट्रेन नहीं मिस होनी, हमारी ट्रेन मिल जानी है यार। जस्ट किडिंग, मैं टिकट लेके बस आई ही थी कि हम लोगों ने सोचा चाय पी लेते हैं क्योंकि इस बार हम लोगों के पास कुछ ज्यादा ही टाइम था, है ना। फिर हम लोगों ने चाय पिया और पेटीज खाई और ये खाने के बाद हम लोग निकल गए ट्रेन के लिए जो कि टाइम पे थी और हम लोग भी। इस बार फाइनली हमें ट्रेन मिल ही गई और थोड़ी देर में ट्रेन चल भी गई। हम लोग के चेहरे की खुशी ना ऐसे छुपाई नहीं छुप रही थी। थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाते हैं गौरीगंज स्टेशन, मतलब मेरा घर। घर आने की खुशी मैं क्या बताऊं, वहाँ की चहल पहल, वहाँ के लोग देख के क्या खुशी मिलती है ना, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। वहाँ की गलियाँ, वहाँ की रोड, मतलब सब कुछ, वहाँ के लोग और ये जो लोकल मार्केट लगती है ना, सब मुझे, मतलब मैं क्या बताऊं, मेरे बचपन की, मेरे स्कूल टाइम की सबकी याद दिलाता है। 12th के बाद से मैं जब से भी बाहर हूँ ना, तब से मुझे ये सब ना बहुत याद आता है, बहुत ज़्यादा। और थोड़ी देर में मैं उसको महसूस करते हुए पहुँच गई अपने घर। मम्मी नमस्ते, पापा नमस्ते, बेटा कैसी हैं? ठीक है। क्या लाई हैं? मना किए थे सब मत लाना, काहे लेके आए? क्या लेके आए हैं? केक मम्मी शिवांश के लिए लेके आए ना, वो खुश हो जाएगा। प्रभु नारायण। मम्मी शिवांश कहाँ है? कहाँ हम बताओ, केक लेके आया शिवांश के लिए, शिवांश गायब है घर से। मैं इतने दिन बाद घर आऊं और बाहर घूमने ना जाऊं, ऐसा कहीं हो सकता है भला। फिर मैं पहुंच गई अपने फेवरेट कॉस्मेटिक की दुकान पे। ऑफ कोर्स मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है और नेल पेंट तो बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने 5-6 नेल पेंट्स लिया।
निकला भाई। ओवर हो रहा है, बस करो भाई, सिर्फ आज वाले केक लाए हैं, निकलो रजाई में घुस रहे हो तुम, शर्म कर लो। ये क्या देख रहे हो, आप लड़कियों को बदनाम कर रही है। मैंने उर्मिला कौन लड़कियों को बदनाम कर रहा है, दांत टूट गया, दांत टूट गया, दिखाओ दांत, दिखाओ ये वाला टूट गया दांत इनका, दूध ये तुम देख क्या रहे हो पायल जोन, शर्म कर लो पायल जोन की वीडियोस देखोगे तुम। गाइस मेरी दीदी मेरे लिए केक लाई है, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे केक खाने की, केक दिखाइए दीदी जी, ये सब उखड़ उखड़ गया रास्ते भर, केक खाएंगे मजा आ रहा है। अरे यार सीधे खा रहा है, डोंट डू दिस, पहले कट करेंगे ठीक है, ठीक है चलो। अरे हम लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, टिन 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 बोलो वेलकम टू होम दीदी, तुम चिल्लाओगे हाँ तेज़ बोलोगे खुशी में चाहते, वेलकम टू होम सांडी, सांडी है हम, फिर से बोलो वेलकम टू होम मोटी, मोटी है हम, फिर से बोलो दीदी के लिए, प्रियंका दीदी के लिए बोलो वेलकम टू होम सीमांस, सबके सब जुटे हुए हैं, किसी कोई फर्क ही नहीं है, हमारा मन कर रहा है खाए, खत्म हो जाएगा, आप उसे खा लीजिए, मम्मी खा लीजिए उसे, आराम से मम्मी खिला, मम्मी पापा उठिए 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 पापा उठिए, अरे इतना पापा हो रहा गाइस, लक्ष्मी बुरे मुंह खोलिए, बड़ा मुंह खोलिए पापा, पापा पापा लव यू, अरे डांटता है लड़का और बड़ा